ठीक है फराज के भाई साहब, आप लोगों की लाइन विपक्ष की लाइन तो लगभग लगभग एक ही जैसी है। समाजवादी पार्टी और आपकी जो नेता है डिंपल यादव, उन्होंने भी कहा कि भाई इसमें अल्पसंख्यकों के लिए और ओबीसी के लिए अलग से कोटा होना चाहिए, लेकिन इस कोटे को अगर नहीं अब सरकार ने सुनिश्चित किया है तो इसके पीछे की वजह आप लोगों को क्या दिखाई देती है? कुंदन जी देखिए, जो अभी भारतीय जनता पार्टी ये वुमन रिजर्वेशन बिल लाई है, आप इसकी अगर भारतीय जनता पार्टी की साइकोलॉजी को समझिए तो बीजेपी आज की तारीख में ये बहुत अच्छी तरह से समझ गई है कि ये लोग जो हैं, जो अपकमिंग 2024 का इलेक्शन है, ये बुरी तरह से हारने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आरएसएस का जो माउथ पीस है ऑर्गेनाइजर, उसने ये लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर की जो अब फेस है वो अब इनफ नहीं है कि उससे 2024 के इलेक्शन जीत पाए और इनके जो लोकल लीडरशिप है उसको फील्ड में उतरना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कुंदन जी ये बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि आज जो महंगाई है उससे ज्यादा अगर कोई सबसे ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस हुआ है तो वो देश की महिलाएं हुई हैं, और देश की महिलाओं ने एक इंडिया गठबंधन जब से खासकर बना है उसके बाद से ये मन बना लिया है कुंदन जी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में वोट करने जा रही हैं। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए आए दिन कुछ ना कुछ देश देश को इंगेज किया करते हैं। अब इन्होंने वुमन रिजर्वेशन बिल लाए, हमने तो इसका स्वागत किया है और आना भी चाहिए, लेकिन धन्य हो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से आज जेपी नड्डा साहब पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला करके ओबीसी की बात कर रहे थे। इनकी जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कुंदन जी, वो ओबीसी विरोधी है, ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात मैं बात करूं कि हम लोग जिस प्रदेश से आते हैं उत्तर प्रदेश से, जो वुमन रिप्रेजेंटेशन है वो लोएस्ट है उत्तर प्रदेश में, जो कि 33.34% है। और आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि ये मेरे हाथ में एक अखबार है आज का द हिंदू, अगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इसमें इसकी इसमें एक बहुत अच्छी एनालिसिस छपी है स्टेट वाइज। स्टेट वाइज एनालिसिस है कि किस पॉलिटिकल पार्टी, और बल्कि 1952 से इसमें पूरा दिया हुआ है, आप इसको मंगा करके पढ़िएगा और आपको जान करके ये बहुत खुशी होगी कि समाजवादी पार्टी इज द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया एंड इट इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन उत्तर प्रदेश विच हैज द मैक्सिमम वुमन रिप्रेजेंटेशन। तो समाजवादी उत्तर प्रदेश के विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 11.5% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप ये भी तो देखिए। एग्जैक्टली। अब इसमें जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो वुमन रिप्रेजेंटेशन है वो 13% है, वो मैं नहीं, वो ये द हिंदू बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब हम लोग आ जाते हैं कुंदन जी के वुमन रिजर्वेशन बिल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वुमन रिजर्वेशन बिल का जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें ओबीसीज का भी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, देखिए डेविल लाइज इन द डिटेल्स। अगर आप इसके पूरे बिल को आप डिटेल से पढ़िएगा तो ये खाली कुंदन जी ट्रायल बलून है जो कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पूरे देश को एंगेज कर रखा है। इसमें क्या है कि आप देखिए कि इनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आदरणीय उमा भारती जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन्होंने बोला कि इसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। दूसरी बात कुंदन जी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता है विजय उपाध्याय जी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत में आज की तारीख में महिलाओं की स्थिति क्या है, और खासकर जो ओबीसी महिलाएं हैं आज की तारीख में जो अर्बन एरिया है कुंदन जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 जो इलिटरेसी रेट है, यानी कि जो लिटरेसी रेट है महिलाओं का भारत में वो 29% है और अर्बन एरिया में जो रूरल एरिया में ये 17% है और अर्बन एरिया में 34% है। आपको एक डेटा मैं और दे देता हूं कुंदन जी, बस जल्दी से, आज की तारीख में 23.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है, और 29% महिलाएं ऐसी हैं 18 से 49 साल की उम्र में जिनकी शादी हो गई है लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो गई है। तो महिलाओं की जो स्थिति हो रही है, इसी स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये लिया कि भाई रिप्रेजेंटेशन जहां से कानून बनता है, कायदे कानून जहां से संसद के अंदर विधानसभा के अंदर बनाए जाते हैं, वहां पर महिलाएं अगर 33% रहेंगी तो बेहतर कानून बनेंगे महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके इसके लिए। हमारे साथ सुभाष यादव जी भी मौजूद हैं, SBSP के प्रवक्ता हैं। सुभाष यादव साहब, दरअसल ओबीसी का हितैषी बताने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी के स्टैंड के मुताबिक मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक में जानना चाहता हूं, ओबीसी का हितैषी दरअसल है कौन? देखिए कुंदन जी, ओबीसी का हितैषी बनने का प्रयास तो मैं समझता हूं सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी होगी, चाहे कांग्रेस पार्टी होगी, बल्कि लोग सत्ता के अंदर भी थे और सत्ता के अंदर
रहते हुए इन्हें ओबीसी की तब याद नहीं आई, आज सत्ता से बाहर जाने के बाद में इन्हें ओबीसी हितैषी की बात आ रही है, इन्हें ओबीसी की पूरी तरह से याद आ रही है। रही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महिला आरक्षण बिल का स्वागत करती है और इसके उलट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले कई वर्षों से महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। वो तो चाह रहे हैं और हमारी पार्टी भी चाह रही है कि महिला हमारे देश की आधी आबादी है और आधी आबादी को सिर्फ 33% आरक्षण ही नहीं बल्कि उनको 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और फिलहाल इस दायरे के अंदर हमारे राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री देश के यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कदम के अंदर स्वागत किया, पहल की और एक बहुत बड़ा इन्होंने कदम लिया जो कि पूर्ववर्ती सरकारें चाहे वो कांग्रेस की रही हो और उसके पहले इनके यूपीए का जो गठबंधन हो, यूपीए गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी शामिल रही है, बहुजन समाज पार्टी ने भी इनको समर्थन दिया जो कि पिछड़ा हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं के हित के लिए इस प्रकार का प्रयास करने का कभी प्रयास नहीं किया। आज बिल लागू हुआ है और लागू होने के बाद में कहीं ना कहीं कहावत चरितार्थ हो रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी ये बिल लागू कर दिया एनडीए सरकार ने, अब इनको कहीं ना कहीं अपनी झुंझुलाट नजर आ रही है, स्वागत भी कर रहे हैं और स्वागत करने के बाद में उसके अंदर कहीं ना कहीं जाति तलाश रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म तलाश रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि देश हमारा जब आजाद हुआ था, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, 1962 से लेकर 1965 तक भर और राजभर जातियां एसटी एससी के अंदर आती थी, अनुसूचित जनजाति के अंदर आती थी, और 1965 के अंदर जब जातियों का वर्गीकरण हुआ तब भर और राजभर जाति को ओबीसी के अंदर लाया गया, लेकिन तब भी दो सर्टिफिकेट बनते थे, एक सर्टिफिकेट बनता था एसटी का जनजाति का जो शिक्षा के लिए होता था और एक ओबीसी का बनता था जो अन्य सेवाओं के लिए रहता था। तब समाजवादी पार्टी के लोगों को, तब कांग्रेस के लोगों को पिछड़ों की याद नहीं आई, तब इनको पिछड़ों के हितैषी बनने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। आज एक अच्छा कदम लिया सरकार ने, एक स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां जरूर दिखाई दे रही जिसकी चर्चा भी राज्यसभा में हो रही है और इस चर्चा पर भी हमारी नजर बनी हुई। तो राज्यसभा में इसे आज पेश किया गया है और राज्यसभा में चर्चा के बाद इसे उम्मीद की जा रही है, जो विपक्षी पार्टियों का स्टैंड है उससे उम्मीद की जा रही है कि इसे राज्यसभा से भी हरी झंडी मिल जाएगी।